कैसे हो भैया? बढ़िया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पटेल नाम है मेरा। और कहाँ से हो? गांव झुमकी, जिला झालावाड़। झुमकी? झुमकी के बहुत किसान है भाई साहब। झुमकी में प्याज की खेती होती है वहाँ पे अच्छी खासी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कितने कट्टे लाए हो सर? आज मैं लाया था 200 कट्टे लेके आया था। 200 कट्टे। और क्या भाव गया सर? मेरा बिका 20.5 बिका। क्या बात है सर, आज नए साल की मार्केट अच्छा मिल गया। नया साल किस्मत वालों को मिलता है सर। 2024 अच्छा रहा इस साल हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही प्याज आज से मतलब परसों तक लगभग वही 12-15 रुपए तक मैक्सिमम बिक रहा था। हम बेच के गए ना, पिछले सप्ताह आए थे तो वही 15 रुपए किलो बेच के गए यही प्याज। और आज आपको 20 रुपए 22 रुपए बढ़िया प्याज का 23 रुपए तक बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, किसानों को कुछ फायदा होना चाहिए। नहीं, किसानों को मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने एक्सपोर्ट बैन कर रखा है, इसकी वजह से मार्केट ज्यादा ही डाउन चला तो गया। ये तो आप उन ट्रक वाले जो भैया हैं हड़ताल कर रखी है उनका, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनकी वजह से आज मंडी में माल कम आया तो हमको अच्छा भाव मिला है। और हो सकता है अगर उनकी हड़ताल ऐसी जारी रही तो ये भाव कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, भाव अगर मंडियों में माल ही नहीं आएगा तो बिल्कुल, आज माल है ही नहीं। आप पूरी तरह मंडियों में देख सकते हो कहीं माल है ही नहीं। व्यापारियों को तो माल लेना है, माल नहीं आएगा तो मार्केट टाइट रहेगा वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बीघे में आपके यहाँ पैदावार कितने निकल रही है इस साल? तो एवरेज कम ही आया, 100 कट्टे निकले। 100 कट्टे वैसे निकलते कितने हैं लगभग वहाँ पे? निकल जाते 130-140 के आसपास निकल जाते, अच्छे रहते। ये है कि 100 कट्टों में भी अगर भाव 20-25 रुपए का अगर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से ठीक है। हाँ, भाव है ना, अगर 20 से ऊपर ही रहे तो फायदा मिलता है अच्छा खासा। बिल्कुल, वरना फायदा नहीं मिलता है। 10 रुपए की लोग इस साल है ना, खर्चा पड़ गया हमारे। बिल्कुल, 10-12 रुपए खर्चा ही आ जाता है। खर्चा हो जाता है। एक बार बताओ, बारिश की वजह से दवाइयां भी अच्छी लगी ज्यादा। बिल्कुल। अभी कितना प्याज और बचा है सर आपके एरिया में? हमारे एरिया में लगभग खत्म होने वाला है प्याज, तो अब थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से 10-15 दिन का खेल हो रहा है फिर। हाँ, 15 दिन लास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जैसे अभी भाव अच्छा आता है तो जल्दी जल्दी ले आएंगे? हाँ, जल्दी। अगर जैसे कि आज तेजी है तो गाड़ियों की हड़ताल है, वरना लोग तेजी को देखते हुए लाना ही चाहेंगे प्याज को। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर। और गर्मी वाला लगाते हैं या फिर बरसात वाला? हमारे यहाँ गर्मियों का नहीं लगता है, बरसात का। हमारे क्षेत्र में क्या पानी की कमी है बहुत। अच्छा जी, अच्छा। पानी की वजह से गर्मी का प्याज नहीं लग पाता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप तीनों अलग अलग लेके आए थे या फिर जैसे 200 कट्टे लेके आए? नहीं, अलग अलग लेके आए थे। जैसे कि 200 कट्टे हमारे और हमारे भाई के दोनों के। कितने लेके आए थे सर? हम लेके आए थे 81 कट्टे। 81। क्या भाव गया आपका? 22.5। 22.5। बहुत बढ़िया, खुश है भाव से आज? हाँ ठीक है। हाँ, जो बिल्कुल, जो 10-12 रुपए मिल रहा था उससे किलो बेचा, अब 22.5 नहीं। और अगले सप्ताह से इस बार खुशी है हम। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मिल गया मार्केट उस दिन। बहुत बढ़िया सर। आप कितने लेके आए थे? 100 कट्टे। आपका क्या बिका? 20 रुपए बिका। तो 20 में आप भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि चेहरे पे थोड़ा सा खुशी है। इस साल अच्छा, इस बार अच्छा बिक गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ आपके एरिया के जो किसान है उनको कुछ कहना चाहोगे? माल रोके या फिर बेचे, कैसे करना? नहीं, माल अगर पका हुआ है और लाना चाहे तो लाना ही अच्छा रहता है। माल अच्छा रहता है क्योंकि फिर जर्मिनेट हो जाता है। रोकने से क्या मतलब भी नहीं है इसमें। माल है, वजन भी कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये माल की क्वालिटी अच्छी बना के लाए तो अच्छा भाव बिकेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका।